कोई परेशानी नहीं है, बड़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, मोदी जी ने कहा, ये फैसला आपको कैसा लगा? सबसे बढ़िया फैसला है, इतनी सरकार आई जिसमें सबसे बड़ा फैसला इस सरकार का है। आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी बात से पूरी तरह सहमत है सर, अच्छा डिसीजन है, बराबर करना चाहिए था, ऐसा जरूरी था। ये कम से कम पता तो चल रहा है कितना पैसा लोगों के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो देश के हित में ये फैसला है, इसमें दो मत नहीं है कि हम लोगों को, पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, जो सीनियर हैं उनको भी और जो गरीब तबका है उसको भी परेशानी हो रही है, उनके घर में खर्चे के लिए पैसे भी नहीं है। लेकिन देश हित में और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो दो नंबर का पैसा है, जो ब्लैक का पैसा है, वो इस तरीके से निकलने में बहुत ज़्यादा सहूलियत रही और वो हमारे देश के हित में है। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद ही दूंगा कि वो देश हित में इतना बड़ी रिस्क लेकर के कार्य कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं वो कुछ समय के बाद में निपट जाएगी। आज मुझे जितना आवश्यकता थी उतने खुले मुझे मिल चुके हैं, मेरा 15 दिन का काम हो जाएगा, 15 दिन बाद में वापस आ जाऊंगा। मोदी जी का निर्णय बहुत अच्छा था, त्वरित निर्णय था, लेकिन बहुत सही समय पर लिया गया निर्णय था। इसमें पब्लिक को कुछ समय के लिए कुछ असुविधा हो सकती है, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, अगर उन परिस्थितियों को अगर हम उस वक्त जब देखेंगे तो आज की समस्याएं नगण्य मानी जाएगी। देर से लगे, कोई दिक्कत आ रही है आपको? नहीं आ रही। मोदी जी का फैसला कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। सर दिक्कत तो बहुत है, एक्सचेंज करवाने में दिक्कत है, पिछले चेंज ही नहीं मिल रहा उसमें दिक्कत है, अभी इतनी दिक्कत ही दिक्कत है। आप मोदी जी के फैसले से खुश हैं? एक्चुअली खुश भी है और दुख किस बात का है कि काम छोड़ छोड़ के इंसान को परेशानी इसलिए हो रही है, भागदौड़ करना पड़ रहा है आधे से ज़्यादा। अच्छा खड़ा हूँ 20-25 मिनट, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही है।